पीओजेके को और गिलगित बल्तिस्तान को जब शामिल किया जाएगा वापस भारत की यूनियन टेरिटरी में, तो उस वक्त वहां किस किस्म की हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कायम होनी चाहिए? पहला 5 साला मंसूबा जो है, फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूं इस वक्त, उसको डिस्कस किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पीओके के नागरिक हैं अमजद मिर्जा। अभी तो ये पीओके में नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं रहते हैं, ये आप बाहर रहते हैं। और इंडियन डिबेट्स में आपने देखा होगा इनको काफ़ी पीओके का पक्ष रखते हैं और भारत के साथ मिलने को लेकर काफ़ी उत्सुक है। और वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो आपको पता होगा दोस्तों, कश्मीर समस्या क्या है। बेसिकली 1947 के बाद कश्मीर जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर रियासत थी उसमें क्या सिचुएशन बनी, और डोगरा राजपूत का यहाँ पर पहले मतलब रियासत थी, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट थी जो उस टाइम की, उन्होंने क्या गलती की, और फिर आपको सब कुछ पता है अब इस वीडियो में देखेंगे। और अभी जो हाल फिलहाल में जितेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि पीओके लेना हमारा अगला लक्ष्य है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंतिम भाग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और उनका ख्याल है कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, और वो लोग पीओके कहते हैं, वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान से वो वापस लेंगे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं? और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें, जिनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ और ना ही भारत के साथ। लेकिन ये कश्मीर इशू कब तक चलता रहेगा और कहाँ जाकर ये बात रुकेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जिस तरीके से आजकल चल रही है, और साकिब निसार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो बड़ी बड़ी वायरल हुई थी, और उसके ऊपर भी कई तरह की बातें हुई। इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू। सर, आपका ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर के बगैर हम बात कर नहीं सकते, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही हो। आपका एक क्लिप मैंने देखा कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, जिसमें आपने कहा कि इंडियन टीवी पे आप थे और आपने कहा कि डेलीगेशन बुलाया जाए आपकी तरफ से और कश्मीर पे बात हो। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये बात हम बहुत कम लोगों से सुन पाते हैं, बहुत कम लोगों से हमारी बात होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में जो है लड़ती रहती हैं, या एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की स्टेटमेंट देती रहती हैं। आपके ख्याल से जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आजुक आजमी जी। सबसे पहले तो ये कि आपने मेरा तारुफ में कहा कि पहले आप मेरा तारुफ पाकिस्तान से करवाती थी, अब आपने कश्मीर से करवाना शुरू कर दिया है। मेरा ताल्लुक जम्मू से है जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये सही तारुफ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की आजादी की आपने बात की, बात यह कि सवाल कश्मीर की आजादी का नहीं है, सवाल पूरी रियासत का है। तो इसको कश्मीर इशू क्या के महदूद करने की कोशिश की गई है इस पूरे इशू के स्कोप को। और रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीर की वादी जो है वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, वो तकरीबन कोई 100 मील बाय 70-80 मील का हिस्सा है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान है, पीओजे है, लद्दाख है, जम्मू है। तो आप जब आजादी की आप बात करते हैं तो इसमें देखें, जम्मू वाले तो भारत के साथ बड़े खुश हैं, वो तो नहीं चाहते भारत से अलग होने। इसी तरह लद्दाख वाले जो हैं उन्होंने तो यूनियन टेरिटरी बनने पर जश्न मनाया और वो बड़े खुश हैं कि उनको जो है वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि उनकी गिला था कि जितने फंड्स आते हैं डेवलपमेंट के वो सारे कश्मीर में इस्तेमाल हो जाते हैं, लद्दाख तक वो ट्रिकल डाउन भी नहीं होते। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है वो जब, अगर वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आजादी की बात करते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान की आजाद इंडिपेंडेंट रियासत की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की आजादी की बात नहीं करते। जो आजादी का चूर्ण बेचता है पाकिस्तान, उसके जेरे असर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक तबका जरूर मौजूद है, लेकिन अगर इसको हम कहें कि मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी 1947 वाली, उसकी मेजॉरिटी आजादी के एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हुई है, तो ये मेरा ख्याल है सही नहीं होगा।
दूसरी बात आपने जो फरमाई वो मेरे जी टीवी पे जो इंटरव्यू चला जिसमें मैंने ये कहा कि एक डेलीगेशन बुलाया जाए, उसमें मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मुझे बुलाया जाए। मेरा मकसद ये है कि हम लोग जो हैं पीओजे के और पीओजीबी के, हमारा एक वफ्द जाना चाहिए अब दिल्ली में, ताकि हम वहां पे जो हमने डेडलाइन दिया है 22 अक्टूबर 2023 में पाकिस्तानी फौजों को कि वो निकले वहां से, उस हवाले से जो मोडेलिटीज हैं हम वो आपस में तय करें कि पीओजेके को और गिलगित बल्तिस्तान को जब शामिल किया जाएगा वापस भारत की यूनियन टेरिटरी में, तो उस वक्त वहां किस किस्म की हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कायम होनी चाहिए। पहला 5 साला मंसूबा जो है, फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूं इस वक्त, उसको डिस्कस किया जाए कि भाई फौरी तौर के ऊपर जो है पहले साल में क्या किया जाए, दूसरे साल में, तीसरे साल में। फिर जो जैसे जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, इसी तरह के इलेक्शन जो है वो पीओजेके और पीओजीबी में कराए जाएं, ताकि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचे जाए। फिर ये है कि भाई जो कानून साज सो कॉल्ड असम्बलियां हैं गिलगित पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर आजाद जिसको आप कहते हैं कश्मीर, वहां की तो गवर्नमेंट्स को हम डिसॉल्व कर देंगे फर्स्ट डे, तो उसके रिप्लेसमेंट क्या होगी? उसके लिए हमारी सजेशन है कि एक दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल तैनात किया जाए जिसके नीचे एक एडवाइजरी काउंसिल हो जिसमें तमाम जो शोबे हैं सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, इकोनॉमिक है, फाइनेंस है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट्री है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड डेवलपमेंट है, इनके एडवाइजर्स हों जो गवर्नर जनरल को एडवाइज करें, और उस एडवाइज की रोशनी में फिर गवर्नर जनरल जो है वो दिल्ली को प्रपोजल्स सेंड करे डेवलपमेंट फंड्स के लिए। पहले साल में हमारी कोशिश है कि जो गिलगित बल्तिस्तान से आपके जो नाम याद आजाद कश्मीर है वहां की जो रोड है अस्तोर से मुजफ्फराबाद, उसको विद इन 1 ईयर जो है कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जाते हैं रावलपिंडी और फिर मुजफ्फराबाद आते हैं वो हमारा डायरेक्ट लिंक बने। तो ये चीजें हैं जिसके हवाले से हम चाहते हैं कि हम लोग अब दिल्ली जाके वहां की सरकार से बातचीत करें। जी लेकिन सर, आपको लगता है कि ये करने से इसका जो इशू है जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या वो सॉल्व हो पाएगा? दूसरा, इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ओवैसी साहब ने जो है इंडिया के, उन्होंने कहा कि जी 370 वापस लाई जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया है, अब चाहे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको समझ लें, कि उन्होंने कहा है कि जी मोदी सरकार से कि वो दोबारा 370 वापस लाए नहीं, तो वो यहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे भी हम शाहीन बाग जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। तो आपको लगता है कि जो कश्मीर भारत के पास इस वक्त है, वहां पे इनको दोबारा से 370 लानी पड़ेगी या लानी चाहिए? देखिए, जहां तक अवैसी साहब का ताल्लुक है तो उनकी जो ये बयान आया है ये तो आईएसआई का नैरेटिव है, ये तो पाकिस्तानी फौज का नैरेटिव है, इमरान खान का नैरेटिव। तो एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर मैं ये समझता हूँ कि 370 को किसी कीमत पे बहाल नहीं होना चाहिए। ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, उसको प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए खत्म कर दिया गया, फेयर एनाफ। उसके बाद आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर की रियासत में कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, डिलिमिटेशन हो रही है, और अब तो ये है कि स्टेटहुड भी बहाल होने जा रही है। आप देखेंगे कि इलेक्शन हो जाए जम्मू कश्मीर में तो उसके बाद स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, वो कोई टेंशन नहीं है। यहां पर होता है खत्म। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या हम पीओके ले सकते हैं? पीओके हम किस तरीके से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो बताइएगा। हालांकि हमने एक मौका छोड़ा था 1971 में, बड़ी आसानी से 1971 में हमने जब पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक पकड़े हुए थे, लगभग 93,000, तो हम उनको छोड़ने की मतलब बदले में हम ले सकते थे पीओके। इवन यार, हम तो करतारपुर नहीं ले पाए जो कि हमारी बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर है। अब आपको पता है करतारपुर के नाम पर पाकिस्तान का कितना प्रोपेगेंडा होता है, खालिस्तान ये वो सब भड़काने का कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने बड़े उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी और जो इंटेलिजेंस या मतलब पीएम जो भी है उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। आपके क्या ख्याल है? प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
तो दोस्तों कश्मीर जो रियासत थी, जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि ये काफ़ी मतलब संपन्न अच्छी खासी धनी रियासत थी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी ये, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। और आपको भी पता है कि यहाँ पर बाद में जो क्या सिचुएशन बनी, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। अब क्या बोले, इंडिया ने आर्मी नहीं भेजी जब तक उन्होंने मीरपुर में कब्जा कर दिया, वहाँ पर जो हिंदू और सिख थे उनको किस तरीके से मारा और वहाँ पर कब्जा कर दिया। फिर उसके बाद नेहरू जी चले गए यूएन और उसके बाद पूरा मामला फंसा हुआ है। आपको ये सब चीज़ें पता है, इसके बारे में अब बात बार बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है रियल सिचुएशन में, क्या हम कश्मीर ले सकते हैं, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो ले सकते हैं? और यहाँ की आपको पता है सिचुएशन, आबादी का रेशो आपको पता है कि यहाँ पर लगभग लगभग जम्मू में तो ऐसा है कि हिंदू ज़्यादा है, सिख हिंदू और सिख मतलब ज़्यादा है मुस्लिम से, और कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर मुस्लिम मतलब 99% से भी ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ पर। वहाँ पर जो हिंदुओं का पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, आपको भी पता होगा 89 में, उसके बाद से तो वहाँ पर किसी की रहने की हिम्मत हुई नहीं। और अभी भी मुझे लगता नहीं कि उन भेड़ियों के माहौल में रह पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में ऐसी सिचुएशन तो बनने वाली है नहीं कि वो टीचर्स को भी धर्म पूछ पूछ कर मार रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 1947 के पहले ऐसा क्या था जो डोगरा रियासत थी उसमें, और अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ है। आपको तो सब समझ रहे हो, आपको इनका माइंडसेट किस तरीके से मतलब इनके दिमाग में जिहाद घुसेड़ा गया, उसके बाद से क्या क्या हुआ है वो सब आपको पता है। आप कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें कि क्या हम पीओके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन